हेलो सर, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ओजा के दो डुअल बेस और चार टॉप के हेवी सेटअप के बारे में, जो कि सर काफी सर भाई लोग का काफी दिनों से भर भर के कमेंट इस टाइप किया रहता कि हम ओजा का दो डुअल बेस और चार टॉप का सेटअप बनाना चाहते हैं। बट हमारे मन में काफी ज्यादा ऐसा कन्फ्यूजन है कि ओजा का दो डुअल बेस और चार टॉप का सेटअप बनाने में उसका कितना कॉस्टली प्राइस लगेगा। तो सर, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का ओजा का दो डुअल बेस और चार टॉप का सेटअप बनाकर रेडी कर दिया हूँ। साथ ही सर इसका मैं प्राइस भी बताऊंगा कि अगर आप लोग इस टाइप के सेटअप बनाते हैं तो कितना आप लोगों को कॉस्टली प्राइस लगाना पड़ेगा। साथ ही सर कैसे कनेक्शन वगैरह कीजिएगा, ये जो सेटअप है लॉन्ग टाइम तक बजेगा और काफी ज्यादा अच्छे क्वालिटी के साउंड निकाल कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोग पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर आप लोग मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कि सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका यूजर आईडी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कि सर, ओजा के इस टाइप के दो डुअल बेस और चार टॉप का एक हेवी सेटअप बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप और बेस के ऊपर। तो कि सर, इस वाले सेटअप में जो हम ओजा का टॉप यूज करने वाले हैं वो है ओजा का SPX 1510 PA स्पीकर सिस्टम, जो कि सर ओजा की तरफ से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का टॉप है। जो कि इस वाले टॉप का जो पावर है 1300 वाटेज आरएमएस पावर में देखने को मिल जाएगा और 2600 वाटेज इसका प्रोग्रामिंग पावर होता है। तो कि सर, आप लोग समझ सकते हैं कि 1300 वाटेज का टॉप है और 2600 वाटेज इसका प्रोग्रामिंग पावर है, तो आप लोग इसे कभी कंपटीशन में 1500 और कई सारे 1800 वाटेज तक भी बजाएंगे तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि सर ओजा का कंपनी का फिटिंग टॉप है और कई सर ओजा का अब तक का सबसे हेवी वाटेज का टॉप है। तो अगर आप लोग इस टाइप के चार टॉप अपने सेटअप में यूज कर लेते हैं तो काफी ज्यादा धासु और फाड़ू आप लोगों को साउंड क्वालिटी सुनने को मिल जाएगा। बात करेंगे इस वाले टॉप के फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में, तो इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है 35 से 20 हर्ट्ज तक देखने को मिलेगा। साथ ही सर इसके अंदर स्पीकर 15 इंची का 2 यूज किया गया, जिसका वॉइस स्केल आप लोगों को 4 इंची में देखने को मिलेगा। इसका जो SPL है 103 डेसिबल पे काम करेगा। साथ ही सर इसका जो इम्पीडेंस है 4 ओम आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात करेंगे इसके वेट के बारे में, तो इसका जो वेट है 76 kg 500 ग्राम देखने को मिलेगा। तो सर ओजा के टॉप का थोड़ा वजन ज्यादा होता है, लेकिन सर वजने में सभी टॉप से काफी ज्यादा अच्छा बजता है और सर इसके टॉप में मार्केट में कोई भी आप लोगों को टॉप देखने को नहीं मिलेगा। चलिए सर हम बात कर लेते हैं इस वाले टॉप के प्राइस के बारे में कि ये जो टॉप है कितने प्राइस रेंज में हमें मिल जाएगा। तो सर इस वाले टॉप का जो प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 45,000 से 46,000 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग ओजा का 1510 मॉडल का 1300 वाटेज का टॉप ले पाएंगे 15 इंची के, कहीं भी किसी भी मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि 1500 आप लोगों को ऊपर नीचे कहीं कहीं भी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इस टाइप के चार टॉप यूज करेंगे, जैसे कि हम इस वाले सेटअप में चार टॉप यूज करेंगे, आप लोग प्राइस कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए सर हम बात करेंगे कि इस वाले सेटअप में हमें बेस भी यूज करना है, तो कौन सा मॉडल का ओजा का हम बेस यूज करेंगे। तो सर यहाँ पर हम ओजा का SWX 2600 PA सबवूफर सिस्टम यूज करेंगे, जो कि सर ओजा का काफी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का डुअल बेस है, जो कि ओजा का अब तक का सबसे हेवी वाटेज का डुअल बेस है। एक और ओजा का डुअल बेस अपकमिंग में यानी आने वाला है, जो कि 3000 वाटेज का होगा। बट सर अभी ओजा का यही वाला डुअल बेस कहीं भी किसी भी मार्केट में देखने को मिलेगा, जो कि इस वाले डुअल बेस का जो पावर है 2600 वाटेज आरएमएस पावर में देखने को मिल जाएगा और 5200 वाटेज इसका प्रोग्रामिंग पावर होता है। तो कहीं सर इस वाले डुअल बेस को भी आप लोग 3000 और 3500 वाटेज तक भी कभी कंपटीशन में बजाएंगे तो कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि ओजा का एक काफी ज्यादा पावरफुल डुअल बेस है, जो कि इस वाले डुअल बेस का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है 35 से 200 हर्ट्ज तक देखने को मिलेगा, जो कि काफी लॉन्ग दूर तक इसका वाइब्रेशन और पंच आप लोगों को सुनने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे इसके अंदर स्पीकर के बारे में, तो सर इसके अंदर ओजा ने 18 इंची के 2 स्पीकर यूज किया है, जो कि सर 1300 वाटेज के हैं, जिसका वॉइस स्केल आप लोगों को 5 इंची में देखने को मिलेगा। इसका जो SPL है 102 डेसिबल देखने को मिलेगा, जो कि प्रेशर काफी ज्यादा मिलने वाला है। साथ ही सर ये जो डुअल बेस है 4 ओम इंपीडेंस पे ऑपरेट होगा। अगर हम इसके वेट के बारे में बात करेंगे तो इसका जो वेट है 105 kg देखने को मिलेगा। तो सर ओजा का ये थोड़ा हैवी वाटेज का बेस है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा इसका वजन भी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ओजा का जो कैबिनेट होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा मजबूत होता है, जिसकी वजह से ओजा का कंपनी का टॉप या बेस हो थोड़ा वजन में ज्यादा हो जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस वाले बेस के प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस है 60,000 से 61,000 के बीच में अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग
लोग औजा का या 2648 का कहीं पे भी डुअल बेस ले पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस टाइप के हम दो डुअल बेस इस वाले सेटअप में यूज करने वाले हैं। अब कई सर हम बात करेंगे कि इस टाइप के दो डुअल बेस और इस टाइप के चार टॉप को चलाने के लिए काफी ज्यादा हमें पावरफुल औजा के तरफ से ही एम्पलीफायर चाहिए। तो कई सर टॉप के लिए जो हम एम्पलीफायर यूज करने वाले हैं वो है औजा का LX6000 डुअल चैनल का पावर एम्पलीफायर, जो कि इस औजा का काफी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का 6000 वाट्स का डुअल चैनल का पावर एम्पलीफायर है, जो कि अगर आप लोग इसे 2 ओम पे ऑपरेट करेंगे तो ये पर चैनल पे 3000 वाट्स आरएमएस पावर में निकाल कर देगा, जो कि सर इसे हम 2 ओम पर ही ऑपरेट करेंगे, क्योंकि एक चैनल पे दो टॉप चलाएंगे और दूसरे साइड में भी एक चैनल पे दो टॉप चलाएंगे। इसका जो डंपिंग फैक्टर है 500 देखने को मिलेगा और इसका जो वेट है 39 kg देखने को मिलेगा। बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, इसका जो प्राइस है 58,000 से 59,000 के बीच में कहीं पर भी किसी भी मार्केट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो कोई सर ये एलेक्सा सीरीज का काफी ज्यादा पॉपुलर मॉडल का ये एम्पलीफायर है। अब हम बात करेंगे कि बेस को चलाने के लिए हमें किस टाइप का एम्पलीफायर लेना चाहिए। तो कोई सर बेस को चलाने के लिए मैं आप लोगों को औजा का रिकमेंड करूंगा LX6600 डुअल चैनल का पावर एम्पलीफायर लेने के लिए, जो कि सर इस वाले सेटअप के लिए हम इसी वाले एम्पलीफायर को यूज करेंगे, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का 6600 वाट्स का डुअल चैनल का पावर एम्पलीफायर है। एलेक्सा सीरीज का सबसे हैवी वाट्स का एम्पलीफायर है, जो कि अगर आप लोग इसे 4 ओम पर ऑपरेट करते हैं तो पर चैनल पे 2600 वाट्स ये निकाल कर दे देगा, जो कि बेस के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट इसका वाटेज है, जो कि इसका भी डंपिंग फैक्टर 500 ही देखने को मिला, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट है। इसके अगर हम वेट के बारे में बात करेंगे तो इसका जो वेट है 39 kg 500 ग्राम देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इसका जो प्राइस है 60,000 से 67,000 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग कहीं पर भी किसी भी मार्केट में इस वाले औजा का एलेक्सा सीरीज का 7600 वाट्स का एम्पलीफायर ले पाएंगे। अब कैसे यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस टाइप के सेटअप को ऑडियो मिक्स करने के लिए हमें काफी ज्यादा अच्छे क्वालिटी के ऑडियो मिक्सर भी लेना पड़ेगा। तो सर आप लोग औजा का FMX 106 DP वाला ऑडियो मिक्सर ले पाएंगे, जो कि 6 चैनल का ऑडियो इको मिक्सर है, जो कि काफी बेहतरीन क्वालिटी का काम करता है डीजे के लिए भी, और सर छोटा मोटा आप लोग प्रोग्राम भी करेंगे 6 चैनल तक आप लोग इसके अंदर माइक का यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन बजता है। इसका जो प्राइस है 5,000 से 5,500 रुपए के बीच में देखने को मिलेगा। चलेगी सर, हम बात कर लेते हैं कि इस वाले सेटअप को हम कैसे कनेक्शन करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, ताकि हमारा सेटअप काफी ज्यादा अच्छा बजे, जिसका साउंड क्वालिटी काफी दूर तक हमें सुनने को मिले और मेरे सेटअप का लाइफ काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक बना रहे। तो सर कनेक्शन काफी ज्यादा सिंपल सा, अगर मैं टॉप के कनेक्शन के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर जो मेरा टॉप पर है 1300 वाट्स का हो रहा है। इस टाइप के हम 4 टॉप यूज करने वाले हैं, जो कि एक साइड में 2 टॉप चलाएंगे और सर दूसरे साइड में 2 टॉप चलाएंगे। इसको चलाने के लिए हम औजा का LX6000 वाट्स का यूज करने वाले हैं, जो कि पर चैनल पे 3000 वाट्स निकाल कर दे रहे हैं। तो अगर हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो इजीली 13 × 2600 वाट्स हो जाएगा और अगर सर 4 ओम हो जाएगा 2 ओम, तो सर काफी ज्यादा परफेक्ट मैचिंग है, क्योंकि 2 ओम पे जो एम्पलीफायर है 3000 वाट्स दे रहा है और 2600 वाट्स का लोड डालेंगे तो कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो एक चैनल पे 2 टॉप और दूसरे साइड में 1 चैनल पे 2 टॉप, इस तरह से आप लोग एक एक चैनल पे 2-2 टॉप चलाएंगे, यानी 1 एम्पलीफायर पे 4 टॉप चलेगा, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का, क्योंकि 2 ओम पे अगर आप लोग किसी भी टॉप को चलाते हैं तो 200-400 हेडरूम ज्यादा छोड़िएगा, तो काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा। काफी सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि थोड़ा एम्पलीफायर का पावर ज्यादा रहेगा तो मेरे टॉप के अंदर के स्पीकर जलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग एम्पलीफायर का पावर 2 ओम पे 100-200 ज्यादा छोड़िएगा तो प्रेशर काफी ज्यादा अच्छा आप लोगों को मिल जाएगा। अगर हम बेस के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे तो बेस का भी कनेक्शन काफी ज्यादा सिंपल सा है। यहाँ पर जो मेरा बेस हो रहा है 2600 वाट्स का हो रहा है, जिसका इम्पीडेंस 4 ओम हो रहा है, और इसको चलाने के लिए हम औजा का LX6600 वाट्स का एम्पलीफायर यूज करें, जो कि 4 ओम पे 2600 वाट्स दोनों चैनल पे दे दे रहा है। तो वही सर काफी ज्यादा सिंपल सा कनेक्शन है कि एक चैनल पे एक डुअल बेस को लगाइए, जो कि 4 ओम पे चलेगा, 2600 वाट्स का बेस है, 2600 वाट्स दे भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और दूसरे चैनल पे भी आप लोग एक डुअल बेस को लगा दीजिएगा, तो इस तरह से आप लोग चला पाइएगा। तो अगर आप लोग इस टाइप के सेटअप को चलाएंगे कलेक्शन करके तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को औजा का ये वाला सेटअप काफी ज्यादा पसंद आएगा, जो कि सर 2 डुअल बेस और 4 टॉप का काफी ज्यादा मैं बेहतरीन और काफी ज्यादा हैवी वाटेज का हमने सेटअप बनाया। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टाइप के सेटअप को लेने में टोटल कितना प्राइस लगेगा। तो सर टोटल मैं इस वाले सेटअप का जो प्राइस बताया हूँ एक एक मटेरियल का, जो कि टोटल आप लोग अमाउंट को कैलकुलेट कीजिएगा तो इजिली 4,30,000 का आप लोगों का प्राइस बैठेगा, जो कि सर इस वाले सेटअप में मैंने स्टेबलाइजर को ऐड नहीं किया है, साथ ही सर डीजी यानी जनरेटर को ऐड नहीं किया है। अगर आप लोग केवल टॉप और बॉक्स लेते हैं या मिक्सर और गीसर एम्पलीफायर इतना प्राइस बैठेगा, बाकी गीसर वायरिंग का भी खर्चा अलग से आएगा, या गीसर आप लोग इस टाइप के सेटअप को चलाने के लिए स्टेबलाइजर लेते हैं तो स्टेबलाइजर आप लोगों को मैक्सिमम 15 kVA का लेना होगा, और गीसर इस टाइप के सेटअप को चलाने के लिए जनरेटर आप लोगों को मैक्सिमम 20 kVA तक का लेना होगा, तभी गीसर इस टाइप के सेटअप चलेंगे, क्योंकि लाइट वगैरह का भी लोड रहेगा और गीसर लाइट वगैरह में भी पैसा लगता है और गीसर वायरिंग में भी पैसा लगता है। तो मोटा मोटी अगर मान के चले कि अगर आप लोग इसके अंदर 6 लाख रुपए लगाते हैं तो काफी
काफी ज्यादा हेवी क्वालिटी के आप लोगों का सेटअप बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि काफी बेहतरीन बजेगा। तो वही सारे हो कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ साउंड सिस्टम से रिलेटिव, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर आप लोग मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, या कि सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।